हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी एंड यू आर वाचिंग द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज का वीडियो हम डायरेक्ट डीआईवाई से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने घर पर एक छोटा सा मंडप या होम, अपने घर पर एक छोटा सा गणपति डेकोर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और उसमें से मैंने एक हाफ मून ड्रॉ करके कट कर लिया है। कटिंग के बाद हमारा हाफ मून कुछ इस तरह का दिखेगा। देन हम इसके जो एजेस है उनको हम सिक्योर करेंगे यूजिंग मास्किंग टेप। ये स्टेप बहुत जरूरी है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई वॉल पुट्टी पेस्ट, सो अदरवाइज आपका ये मून डेकोर खराब हो जाएगा। तो इसलिए एजेस को आप अच्छी तरह से सिक्योर कर लीजिए विदाउट कीपिंग एनी गैप। यहाँ पे मैं और एक टिप देती हूँ कि अगर आपके पास कार्डबोर्ड ज्यादा है, मेरे पास इतने बड़े साइज का कार्डबोर्ड और नहीं था इसलिए मैंने नहीं स्टिक किया। आपके पास अगर ज्यादा है तो आप दो या तीन मून के स्ट्रक्चर्स को कट करके भी आप इन्हें स्टिक कर सकते, तो आपका जो मून है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर मैंने लिए कुछ कट मिरर्स और उन्हें फेविकॉल की मदद से इस मून पर पूरे मून पर मैं स्टिक कर दूंगी। आप मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के मिरर्स को यूज किया है, आप भी अपने चॉइस ऑफ मिरर्स को यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। देन मैं लूंगी वॉल पुट्टी पाउडर और फिर इसका हम बनाएंगे एक टेक्सचर पेस्ट। इसको बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी में पानी और फेविकॉल को मिलाकर इस तरह का एक पेस्ट कंसिस्टेंसी का बना लिया है। कोई भी लंप नहीं होना चाहिए। देन मैं हमने जो मिरर लगाए हैं उनके ऊपर हम अच्छी तरह से ये वॉल पुट्टी के पेस्ट को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे हाथों से करना ज्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप एक समान लेयर में आपका वॉल पुट्टी का जो पेस्ट है वो अप्लाई होगा। देन थोड़ी देर सूखने दूंगी और सूखने के बाद हम जो मिरर्स के ऊपर जो वॉल पुट्टी लगा हुआ है उनको मैं एक डैम्प क्लॉथ से हटा लूंगी और फिर हमारा मून ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया। अब करते हैं कुछ लाइटिंग की अरेंजमेंट। मैंने इस तरह का फेरी लाइट लिया है और उसे हम मून के पीछे मास्किंग टेप की मदद से फिक्स करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे मून को कवर करते हुए लाइट को फिक्स कर रही हूँ। देन मैंने गणपति जी को बैठाने के लिए एक आसन बनाया था, उसके सामने हम इस मून को हॉट ग्लू की मदद से फिक्स कर दे रही हूँ। अब थोड़े से कॉटन लूंगी और कॉटन को इस तरह से स्प्रेड करके और उसके अंदर भी फेरी लाइट्स को अरेंज कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से आप ये छोटा सा मंडप मतलब घर पर इजीली बना सकते हैं। आप चाहे तो आप थोड़ा बड़े साइज का मून भी बना सकते हैं, तो फिर आप थोड़े बड़े साइज के गणपति जी को भी बैठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ये फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा और एलिगेंट सा लुक आया है। तो आप इस तरह से इजीली अपने घर पर वेस्ट मटेरियल मीन्स कार्डबोर्ड का यूज करके इस तरह का एक सुंदर सा हाफ मून शेप का बैकड्रॉप या गणपति डेकोर बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपको मिरर्स लगाने हैं, उसके ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाना है और फिर उसे अच्छी तरह से सूखने देना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये DIY आइडिया? इसे बनाने में कॉस्ट भी बहुत कम लगता है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। तो आप इस गणपति इस आइडिया को जरूर यूज कर सकते हैं अपने घर पर गणपति जी के आसन के लिए। मुझे तो ये DIY काफी अच्छा लगा, इसका आउटकम काफी अच्छा लगा। होप करती हूँ आप लोगों को भी ये DIY अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे DIYs आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे फेस्टिव DIYs शेयर करने वाली हूँ आप सब से। अभी तो गणपति है, देन नवरात्रि, देन दिवाली, तो ढेर सारे DIYs आने वाले हैं।
तो आप उनमें से किसी भी DIY को अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह के और भी नए नए और यूनिक DIY आइडियाज लेकर फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।